बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगान तालिबान ने आलमी ताकतों को अल्टीमेटम दे दिया। तर्जमान अफगान तालिबान सुहेल शहीन का कहना है कि हम 1996 वाला काबल नहीं चाहते, मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल हैं, लेकिन अब भी मुज़ाकरात के मस्बत नतायज नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मिलिट्री ऑपरेशन के साथ मुज़ाकरात की बात की जाएगी तो रिएक्शन ज़रूर आएगा। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में बढ़ती अफरा तफरी के बाद तर्जमान अफगान तालिबान सुहेल शहीन का कहना है कि जब अशरफ गनी ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो हमने भी अल्लाह को पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जबकि हमने अभी तक 5 सूबों पर कब्जा कर लिया है। सुहेल शहीन का कहना है कि अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेंगे तो मुमकिन है हम मजीद सूबे हासिल कर लें। सुहेल शहीन ने आलमी ताकतों को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अफगान फोर्सेस मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेंगी तो हम रिएक्शन देंगे। वाज़ह रहे कि इस वक्त काबिल इंतजामिया की मुल्क पर रेट मुसलसल कमज़ोर होने लगी है। कंधार के बाद मज़ार शरीफ में भी भारतीय कौंसल खाना बंद कर दिया गया, जबकि तालिबान ने 4 दिनों में 7वां दारुल हुकूमत अपनी गिरफ्त में ले लिया। तालिबान का फरा शहर पर मुकम्मल कब्जा हो चुका है। खबर के अगले अहम हिस्से में बात करते हैं। अफगान पायलटों ने कत्ल होने के डर से नौकरियां छोड़ना शुरू कर दी। अफगानिस्तान में कत्ल होने के डर से एयरफोर्स के मुतअद्दिद पायलट्स ने नौकरियां छोड़ दी। एक अफगान पायलट ने बरतानवी मीडिया को बताया है कि वो अपने ऐसे 19 साथियों को जानते हैं जिन्होंने हालिया दिनों में एयरफोर्स को छोड़ा, क्योंकि अफगान हुकूमत इनकी जिंदगियों के तहफ्फुज की यकीन दहानी नहीं करवा सकी और वो भी नौकरी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में मुख्तलिफ वाकयात में अफगानिस्तान में 8 पायलट हलाक हो चुके हैं। हफ्ते को काबुल में एक कार बम धमाके में ब्लैक हॉक के पायलट हमीदुल्ला अजीमी को हलाक कर दिया गया था। धमाके में दीगर 5 अफराद जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं और 11 सूबों में अफगान फोर्सेस के 24 घंटों के ऑपरेशन में 361 तालिबान जंगजू हलाक हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बायस भारत ने अफगानिस्तान में अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया। भारतीय हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल के बायस कौंसलेट बंद और अमले को वापस बुला लिया गया है, जिसके लिए भारत ने मज़ार शरीफ में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए एक खसूसी तैयारी का इंतजाम भी कर लिया है। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगान सरजमीन पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 मजीद शहरों पर कब्जा जमा लिया है और अब इनके कब्जे में मौजूद सूबाई दारुल हुकूमतों की तादाद 8 हो चुकी है। रुकने पार्लियामान मामूर अहमद जई का कहना है कि अफगान तालिबान बगलान शहर में दाखिल हो चुके हैं और अफगान तालिबान ने मरकजी चौराहे और गवर्नर के दफातर पर परचम लहरा दिया है, जबकि कंधार और हलमंद के सूबों में शदीद लड़ाई जारी है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने मुल्क के 65% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान काबुल को शमाल में मौजूद अफवाज की रवायती हमायत से महरूम करने की कोशिशें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि अफगानिस्तान का दफा करना अफगान अफवाज की ही जिम्मेदारी है। क्या रहे कि चंद रोज़ पहले अमरीकी और बरतानवी सफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ने की हदायत कर दी थी। अमरीकी सफारत खाने ने कहा था कि अफगानिस्तान में मुकीम तमाम अमरीकी शहरी फौरी तौर पर दस्तयाब परवाजों के जरिए अफगानिस्तान छोड़ दें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनकलाब पर बरतानिया की शदीद तनकीद। वजीर आजम समेत सब अफसरदा बरतानिया के वजीर दिफा बेन वेलिस ने अमरीकी अफवाज के इनकलाब के बाद अफगानिस्तान की मदद के लिए बरतानिया की क्यादत में नेटो मेंबरान और हम ख्याल ममालिक अस्करी इत्तेहाद में शमूलियत से इनकार पर तनकीद की है। वेलिस ने डेली मेल अखबार को बताया है कि इन्हें यकीन है कि अफगान तालिबान के साथ तनाजा खत्म करने के लिए अमेरिका का मुआहदा बेकार है। इत्तेहादी अफवाज का इनखला शुरू होते ही तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े इलाके
हुकूमती अफवाह से दोबारा कब्जे में लेना शुरू कर दिए और 6 अगस्त से अब तक वो कई सूबाई दरल हुकूमतों का कंट्रोल अपने हाथ में कर चुके हैं। वेलेस का कहना था कि इनकी जानिब से अफगानिस्तान की मुश्किलात का शिकार हुकूमत की मजीद मदद करने की कोशिशों को इस वक्त धचका लगा जब बरतानिया ने अपनी हम ख्याल अकवाम से तआवुन के लिए राब्ता किया। वेलेस का कहना है कि मैंने नेटो अकवाम से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इस हवाले से दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। उन्होंने बताया है कि हमने कई एक हम ख्याल अकवाम से राबते किए, कुछ ने कहा कि वो तो ख्वाहिश रखते हैं ताहम इनकी पार्लियामेंट्स को दिलचस्पी नहीं। वेलेस ने कहा है कि हम सब वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से नीचे तक अफसरदा थे कि हमने जो तमाम कुर्बानियाँ दी हैं वो जो रकम खर्च की है इसका अख्तिताम इस तरह से हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में बरतानिया के इंतहाई करदार अदा करने के इम्कान का भी जायजा लिया गया, ताहम बरतानवी हुकूमत को अपनी सिक्योरिटी दरपेश खदशात के हवाले से अपने वादों की वजह से इम्कान को नाकाबले अमल करार दे दिया गया है। ताहम बेन वेलेस ने मजीद कहा है कि तालिबान से निपटने के लिए अमरीकी फैसले ने इस ग्रोह को अपनी बढ़ती हुई बलादस्ती पर कायम कर दिया जिससे काबुल में हुकूमत से मुकाबला करने के लिए हौसला मिले है। उन्होंने मजीद कहा है कि मुझे दुख हुआ है कि इस मुआहदे से अफगानिस्तान में 20 बरसों में जो कुछ हासिल किया गया इससे बहुत कुछ मुख्तलिफ हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तालिबान का 8वें सूबे दारुल हुकूमत पर कब्जा, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अफगान तालिबान ने मुल्क के 8वें सूबाई दारुल हुकूमत पलखमरी पर कब्जा कर लिया। पलखमरी बगलान सूबे का दारुल हुकूमत है, ये सूबा काबुल के शिमाल में वाक़े है। फ्रांसीसी खबरिसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक बगलान के सूबाई कौंसिल के एक रुकन अहमद जई और एक आर्मी ऑफिसर ने कब्जे की तस्दीक कर दी, जबकि तालिबान के तर्जमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी पलखमरी पर कब्जे की तस्दीक कर दी। इससे कबल मंगल को ही तालिबान सूबाई दारुल हुकूमत फरा पर काबज हुए। जुमे से अब तक तालिबान 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा जमा चुके हैं। दारुल हुकूमत फरा पर कब्जे की तस्दीक तालिबान और मकामी कौंसिल मेंबर्स ने की। फरा की सूबाई कौंसिल की रुकन शहला अबोबर ने बताया है कि इस पहर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुख्तसर लड़ाई के बाद तालिबान फरा शहर में दाखिल हुए। तालिबान ने गवर्नर के दफ्तर और पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। 7 सूबाई दरल हुकूमतों पर काबज होने के बाद अफगान तालिबान शुमाली अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं जिसकी वजह से हजारों शहरी बेघर हुए हैं। फ्रांसीसी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई की वजह से हजारों शहरी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और उन्होंने काबुल समेत महफूज मकामात का रुख कर लिया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।